जी हाँ बच्चों, आज हम लोग ग्लैंड को कंप्लीट कर चुके हैं। ग्लैंड किस तरह से फंक्शन करता है, तो यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म होती है, जैसे टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज बाय वेरियस ग्लैंड, अलग अलग ग्लैंड है, कितना अमाउंट में किस टाइमिंग में हॉर्मोन का सेक्रेशन करना है नहीं करना है, ये कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म होती है। अब जैसे एग्जांपल में देखेंगे, और ये फीडबैक मैकेनिज्म जो होती है बिल्ट इन आर बॉडी, हमारे बॉडी में होती है। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज बाय वेरियस ग्लैंड है ना, आर कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड होती है बाय फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म होती है, फीडबैक मैकेनिज्म होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है ना, ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे भी ज़्यादा हो गया। जैसे ही है ना ये ज़्यादा हो जाएगा, हमारी सेल्स क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और ये पेनक्रियाज को इन्फॉर्म करेगा, और रिस्पोंड में पेनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन सेक्रेशन करेगा, मोर इंसुलिन सेक्रेशन करेगा इनटू ब्लड है ना, और ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको मेटाबॉलिज्म करके कम कर देगा। ठीक है, ज़्यादा हो गया तो, अब कम हो गया तो क्या करेगा, ये इंसुलिन का सेक्रेशन को बढ़ा देगा। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगा किसके थ्रू, पेनक्रियाज के थ्रू, और जैसे लेवल कम हो गया तो क्या करेगा, पेनक्रियाज रिड्यूस कर देगा इंसुलिन का सेक्रेशन, बढ़ जाएगा तो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल घट जाएगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ द शुगर लेवल इज क्या होगा इन द बॉडी इज राइजेज, शुगर लेवल इज इन द बॉडी, शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज, इन द ब्लड राइजेज, जैसे ये ब्लड शुगर लेवल ब्लड में राइज होगा क्या होगा, टू मच, जैसे ही ज़्यादा होगा, जैसे ही शुगर लेवल हमारी ब्लड में राइज होगा, बहुत ज़्यादा राइज होगा, तो हमारी सेल्स, बॉडी सेल्स इसको डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा, ब्लड राइजेस टू मच, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल, ये सेल के थ्रू डिटेक्ट होगा, डिटेक्ट बाय द सेल है ना, बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, जैसे ही सेल ऑफ पेनक्रियाज को ये डिडक्शन होगी कि ब्लड शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा हो रहा है, ये पेनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ा देगा है ना, डिडक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रियाज विच रिस्पोंड बाय प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस करेगा है ना, प्रोड्यूसिंग एंड सेक्रेशन ऑफ क्या, मोर इंसुलिन का सेक्रेशन करेगा और ब्लड में ये पावर कर देगा, डाल देगा।
जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा उसका मेटाबॉलिज्म करके उसको न्यूट्रल करेगा, है ना। तो मोर इंसुलिन का सेक्रेशन करेगा कब, जब क्या होगा ब्लड शुगर लेवल ब्लड में राइज हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो डिडक्ट होगी पेनक्रियाज सेल के थ्रू और ये रिस्पोंड में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एंड सेक्रेशन करेगा, प्रोड्यूसिंग एंड सेक्रेशन ऑफ मोर इंसुलिन इनटू द ब्लड, ब्लड में ज़्यादा इंसुलिन, है ना, पेनक्रियाज बनाएगा ब्लड में डालेगा तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आएगा, इस तरह से होगी। और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल फॉल होगा एंड एज ब्लड शुगर लेवल डिक्रीजेज या फिर फॉल्स एंड एज द ब्लड शुगर फॉल्स जैसे ही ब्लड शुगर फॉल होगा, है ना, टू ए सर्टन लेवल, जैसे ही एक लेवल से सर्टन लेवल से कम होगा, है ना, तो ये क्या होगा, ये सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इनटू ब्लड रिड्यूस ऑटोमेटिकली एंड एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स टू ए सर्टन लेवल, जैसे ही होगा, है ना, द सेक्रेशन ऑफ कोमा ऑफ इंसुलिन, है ना, सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इनटू ब्लड ब्लड में रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, रिड्यूस ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, इंसुलिन का सेक्रेशन होना रिड्यूस हो जाएगा जैसे ही ब्लड शुगर लेवल फॉल हो जाएगा, है ना, ब्लड में ब्लड शुगर लेवल जैसे ही फॉल होगा सर्टेन लेवल से नीचे हो जाएगा, द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इनटू ब्लड रिड्यूस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी है, इसमें ग्लूकोज लेवल, है ना, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन भी पेनक्रियाज के थ्रू बढ़ जाएगा, और जैसे ही ग्लूकोज लेवल सर्टेन लेवल से डिक्रीज़ करेगा इंसुलिन का सेक्रेशन भी डिक्रीज कर जाएगा, इस तरह से क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म होगा, है ना, ब्लड शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया तो इंसुलिन का सेक्रेशन पेनक्रियाज के थ्रू ज़्यादा होने लगेगा और सर्टेन लेवल से अगर डिक्रीज होगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव फीडबैक में हो जाएगी। तो जो पेनक्रियाटिक सेल्स होता है ये ब्लड में शुगर लेवल को डिटेक्ट करता है कि ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन का सिंथेसिस करो, मेटाबॉलिज्म करो, और सर्टेन लेवल से कम हो रहा है तो इंसुलिन का सिंथेसिस कम कर दो, है ना, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा। इस तरह से हम लोगों ने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को कम्प्लीट किया, है ना, इसको पूरी लेक्चर को, जितने भी लेक्चर्स बने हैं ना, फर्स्ट टू लास्ट तक ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट होगा ये चैप्टर बहुत अच्छे से, है ना, इधर उधर बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सफिशियंट है ना 10th के लिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।